दिवाली के त्यौहार में तो नमक पारा बनता ही है, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ नमक पारा बनाने का एकदम सही तरीका। जो फर्स्ट टाइम भी बनाते होंगे ना, तो बिल्कुल बिगड़ेगा नहीं कुछ नहीं, आप आँख बंद करके भी बना सकते हो, ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। मैदा में हम डालेंगे 1 टीस्पून अजवाइन, उसे थोड़ा मसल कर डाल देंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और स्वादानुसार नमक, माने 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे, और 1/4 कप घी डालेंगे। आप इसके जगह ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन घी डालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और खस्ता बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप, माने 5-6 चम्मच ऐसे होगा, स्टील के बड़ा वाला स्टील के चम्मच जो रहता है उसमें 5-6 चम्मच पिघला हुआ दूध, अरे सॉरी दूध नहीं, घी डाल देना, ठीक है। और घी से भी मतलब ऐसे जो दूध, अगर बोली हो ना, दूध से भी पानी के जगह पर आप ठंडा दूध से ऐसे डालकर गूंथोगे तो भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। देखिए अभी मोयन के लिए ऐसे मैं मुट्ठी करके ऐसे देखना, अगर मुट्ठी करने पर ऐसे टूट जाता है तोड़ने पर, तो मोयन अपना एकदम परफेक्ट है। बस इसमें आप जो घी डालते हो ना, मेल्ट करके ही घी डालना। मेरा तो एकदम बराबर ये है, आदत है मुझे डालने की, तो मैं डाल दी हूँ 5-6 चम्मच घी डाल दी हूँ। आप एकदम मेल्ट करके घी को डालना और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम टाइट डो बना लेना, गूंथ लेना, ठीक है। ताकि अभी उसको अभी ढककर रखेंगे आधा घंटा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आधे घंटे बाद फिर इसे थोड़ा मसल लेंगे, गूंथ लेंगे, तो पहले ज़्यादा हार्ड लग रहा था तो अभी हार्ड नहीं लगेगा। और इसे 2 भाग ऐसे कर लेंगे, 2 भाग करके अब इसे ना इसमें घी लगाएंगे, ना आटा, ना तेल, कुछ भी लगा कर बेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मोयन इतना अच्छा डाले हैं कि घी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही चिपकेगा। तो अभी इसे चकले में बेलेंगे, तो एक गोले को थोड़ा मैं ऐसे दबा दी हूँ और प्रेस करके इसे थोड़ा बेल लेंगे। ज़्यादा पतला मत बेलिए, मीडियम साइज़ का मोटा बेले, फिर नाइफ से इस तरह ऐसे कट करेंगे। ऐसे किनारों से थोड़ा फटेगा तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप चौकोन शेप में भी ऐसे काट सकते हो, लेकिन किनारों वाला अगर तुम फ्राई ऐसे करेंगे तो बच्चे भी खा लेंगे और अच्छा वाला मतलब रखेंगे डब्बे में भरकर। तो इस तरह देखिए नाइफ से ज़्यादा एकदम पतला नहीं करना है, पहले मैं मतलब पतला वाला बनाई थी, अभी इस तरह मोटा वाला थोड़ा करके आप करिएगा, कितना मस्त लगता है, बिस्किट की तरह लगेगा आपको। तो इस तरह मैं थोड़ा लंबा लंबा ऐसे काट रही हूँ, आप कोई भी शेप दे सकते हो अपने अनुसार, ठीक है, ट्रायंगल भी, डायमंड शेप जो बनाते हैं वो भी दे सकते हो। तो देखिए इस तरह इतना मोटा होना चाहिए, ये मैं बता रही हूँ। ये सारा निकाल कर अब प्लेट में रख लेंगे, ना चिपकेगा ना कुछ, आप वो टेंशन मत लीजिए कि चिपक जाएगा सब एक साथ ऐसे गुच्छा जैसा रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तेल में कैसे भी आप डालोगे ना तो एकदम अलग अलग सब हो जाएगा, और प्लेट में भी रखोगे तो कोई कुछ नहीं। तो अभी मैं फर्स्ट बेच को ऐसे बेल कर काट कर निकाल ली हूँ, अब दूसरा बेच, जो दूसरा गोला बचा था, डो बचा था, उसको भी मैं अभी ऐसे ही बेल लूँगी, ठीक है, पलट पलट करके इसको बेलते जाने का, थोड़ा जोर लगाने का, क्योंकि थोड़ा हार्ड रहता है ना, और ना ही हम इसमें आटा लगाते हैं ना घी। मोयन इतना मस्त लगा है कि हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। फर्स्ट टाइम में भी बनाओगे ना एकदम परफेक्ट नमक पारे बनकर रेडी होगा आपका। तो इस तरह देखिए मैं काट रही हूँ, ये जो साइड में किनारों में ऐसे काट कर फिर से बेलने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे खा लेंगे फ्राई करेंगे तो, ठीक है, जो साइड साइड में ऐसा रहेगा। तो सारा मैं अभी ऐसे निकाल ली हूँ, प्लेट में रख ली हूँ, और ऑयल को पहले से ही गर्म कर ली थी। इसमें आप क्या करोगे, यही मेन खासियत है, इसमें ध्यान दीजिए। देखिए इतना मोटा है, मैं बता रही हूँ इतना होना चाहिए, पराठे से थोड़ा ज़्यादा मोटा, तो आप इसे धीमी आँच में पकाए यानी छान कर निकालना है। ज़्यादा गर्म तेल करोगे तो घी में ज़्यादा जो मतलब घी एकदम गर्म करोगे, या तेल कोई भी अगर डालते हो तो ज़्यादा गर्म करोगे तो तलेंगे तो फूलेगा, लेकिन ठंडा होने पर क्या पूरी जैसा हो जाएगा, इसलिए आप एकदम धीमी आंच पर ही ये फ्राई करना, और थोड़ा सा हल्का गोल्डन कलर होने तक इसे आप तलेंगे। देखिए अभी सब ऐसे अलग अलग हो रहा है ना, जितना भी सब एक साथ डाले थे, तो स्लो फ्लेम में ही मैं बोलूँगी आप फ्राई करके इसे निकालिएगा, तो बहुत क्रिस्पी रहता है। आप 10 दिन रखो, कितना दिन भी रखो तो एकदम क्रिस्पी रहेगा, जैसे कि बेक किए हैं ओवन में उस तरह का एकदम क्रिस्पी बनता है, तोड़ने पर बिस्किट जैसा रहता है, नान खटाई जैसे लाते हैं ना, वैसे तोड़ने पर ये मैदा का जो नमक पारे बनाए हैं वैसे ही क्रिस्पी रहेगा। लेकिन आप नमक थोड़ा सा ही डालना, ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो, नहीं तो ज़्यादा डाल दोगे तो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो देखिए इस तरह धीमी फ्लेम में पूरा सब मैं तल ली हूँ, फर्स्ट बेच भी हो गया है, अब सेकेंड बेच भी अब ऐसे कर लेंगे, हल्का कलर आने तक, एकदम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। आटा का बनाते हैं तो ज़्यादा डार्क लगता है, और ये मैदा का बनाएंगे ऐसे हल्का ब्राउन ऐसे करके निकालोगे
तो बहुत अच्छी तरह से ये बनता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, एकदम मार्केट से डबल लगेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह इस दिवाली में आप इस तरह बनाइए नमक पारे मैदा का, ऑल पर्पस आटा का, तो अब आपको बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है, मतलब घर पे बनाते हैं तो सब ऑयल से। ठीक है, तो ये मैदा का आप बना कर रख सकते हैं और इसी तरह आप ये आटा का भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। मेरे चैनल में भी आटा का भी मैं बना कर बताई हूँ, आप वो भी बना सकते हो। मैदा होगा तो मैदे से ही बनाओगे तो दिखने में भी और अच्छा लगता है, एकदम हल्का ब्राउन कलर, गोल्डन कलर ऐसा लगेगा, बिस्किट जैसा लगता है, आप बना कर देखना। तो एक बैच तो पूरा मैं कर ली थी, पूरा धीमी फ्लेम में करते हैं तो धीमी आंच पर ये फ्राई करते हैं तो क्या सब इक्वल टाइप में पकता है जो फ्राई होता है, और हाई फ्लेम कर दोगे तो तुरंत ऐसा फूल जाएगा तो क्या फ़ायदा, एकदम हमें रोटी थोड़ी बनाना है, ना ही पूरी थोड़ी बनाना है। ऐसे स्लो फ्लेम में आप करोगे, जैसे समोसा एकदम स्लो फ्लेम में हम करते हैं तो कसता रहता है, उसी तरह आप ये स्लो फ्लेम में ही करना, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देना स्लो फ्लेम से, देखकर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का कलर ऐसे गोल्डन कलर आना चाहिए तो ही बहुत अच्छा लगेगा, कच्चा नहीं कुछ नहीं लगता है, बहुत मस्त बनता है। तो एक बार आप बनाना ऐसे ट्राई करना, ठीक है, इस दिवाली में 2 कप मैदा तो हर एक किसी के घर पे होता है, मैदा नहीं रहेगा तो आटे से भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। ठंडा हो जाने पर क्या करोगे, देखिए कितना क्रिस्पी है, ये मैं बता रही हूँ, अंदर भी एकदम बिस्किट जैसा है, मतलब पूरा खस्ता खस्ता परतदार जैसा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा इस बार आप थोड़ा ऐसा जाड़ा मोटा सा ऐसा बेलिए ये नमक पारे को, तो दिखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी, अच्छा भी लगता है। तो इस तरह सारा मैं ये दूसरा बेच भी ऐसे तल के निकाल लूँगी, और ऐसे करने पर देखिए कितना खस्ता लग रहा है, मतलब एकदम खड़खड़ की आवाज़ आती है, बहुत मस्त लगता है। आप भी बनाकर ये हर किसी को तो आ जाएगा, ढेर सारा आप बनाइए और ठंडा होने पर एयर टाइट कंटेनर डब्बे में भर कर रखिए, और बच्चों को या कोई भी घर पे अगर मेहमान भी आ जाते हैं तो उनको सर्व करिए, दे दीजिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, कोई भी बोलेगा नहीं कि आप घर पर बनाए हो, इतना टेस्टी ये बनता है नमक पारे। और मीठा नमक पारे भी मैं बनाई हूँ, आप विजिट करके देख लेना, नहीं तो फिर मैं दूसरा भी बनाकर आपको बताऊँगी। ठीक है, तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लगता है, से मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला मैदा का, मैं हर साल बनाती हूँ। ठीक है, शक्कर पारे, नमक पारे, बहुत सारा ये सब, तो इस बार मैदे का मैं बनाई हूँ, बहुत ही टेस्टी है और ऐसे तोड़ने पर बहुत खस्ता है ये, देखिए अभी गर्म लग रहा है, ठंडा हो जाएगा ना तो और मस्त लगेगा। अभी तो भी मैं तोड़कर बताई हूँ, देखिए कितना खस्ता एकदम क्रिस्पी बना है, बिस्किट जैसा अंदर ऐसा बना है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे बिस्किट को तोड़ते हैं तो वैसा लगता है ना, वैसे इसको तोड़ने पर ऐसे ही होगा, मालूम पड़ेगा आपको, परतदार एकदम बिस्किट जैसा। तो ठीक है, तो ये नमक पारे इस बार दिवाली में बनाइए मैदा का, और एयर कंटेनर में भर कर रखिए, अपने बच्चों को भी स्कूल जाते वक्त भी अगर हॉलीडे होगा तो घर पे दीजिए खाने के लिए, और ढेर सारा बनाए होंगे तो दिवाली के बाद भी उनके टिफिन में भर कर दे दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप इस दिवाली में बनाइए और मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी, ये नमक पारे की रेसिपी। ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स, आपको भी यकीन करती हूँ, मतलब कर रही हूँ कि आपको भी, आप अगर ये बनाओगे ना आपको भी बहुत पसंद आएगा, बहुत मस्त बनेगा, बिल्कुल बिगड़े यानी कुछ नहीं, बस अगर समझ में नहीं आएगा 1/4 कप जो घी उसको मेल्ट करके आप स्टील के जो बड़ा वाला स्टील के चम्मच में 6 चम्मच 7 चम्मच डाल देना। ठीक है फ्रेंड्स, भाई सब्सक्राइब माई चैनल।